बीते 10 साल देश में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के रहे हैं। हर शहर और हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाने के संकल्प की सिद्धि के रहे हैं, क्योंकि ये है मोदी जी की गारंटी। ज्ञान और अध्यात्म की भूमि बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि बिहार, गुरु गोविंद सिंह जी की पावन जन्मभूमि और लोक आस्था का प्रतीक माँ गंगा से सिंचित भूमि बिहार अपने कर्मठ और मेहनती लोगों के लिए जानी जाती है। विकास की मोदी जी की गारंटी का लाभ बिहार और यहाँ के करोड़ों लोगों को भी मिला है। देश के छोटे शहरों को वर्तमान ही नहीं भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को और समृद्ध बनाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उपहार दिया और आज इसी कड़ी में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार में आवाजाही तेज और सुगम बनाने के लिए जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है वो है कन्हौली से रामनगर खंड तक 6 लेन, आरा से पररिया खंड एवं बख्तियारपुर से रजौली खंड तक 4 लेन, सीतामढ़ी जयनगर नरहिया खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर तथा किशनगंज शहर में मौजूदा फ्लाईओवर के समानांतर दूसरा फ्लाईओवर। आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हो रहा है वो हैं पटना रिंग रोड के अंतर्गत शेरपुर से दिखवारा के बीच गंगा नदी पर 9 किलोमीटर का 6 लेन देश के सबसे लंबे पुल में से एक का निर्माण, दानापुर बेहटा खंड का 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एवं आमस दरभंगा खंड पर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड हाईवे के 4 पैकेज का शिलान्यास भी किया जा रहा है। बिहार को बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जो है मानपुर स्टेशन पर फ्लाईओवर एवं बाईपास लाइन का निर्माण, पाटलिपुत्र पहलेजा और न्यू दीघा हॉल्ट स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य का, ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा के लिए एक बार में 20 कोचों के 20 रैक रखने की क्षमता वाला मेमू शेड गया का एवं शिलान्यास किया जा रहा है आरा बाईपास लाइन का। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम और तेज होगा, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी, पड़ोसी राज्यों के बीच माल ढुलाई और यात्रा आवाजाही सुगम होगी, उद्योग और कृषि उत्पाद को नई मंडियों तक पहुंच बेहतर मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, साथ ही नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 12 सीवेज नेटवर्क परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सैदपुर, पहाड़ी, बाढ़, सुल्तानगंज, नौगछिया, सोनपुर एवं छपरा में इंटरसेप्शन, पटना में डायवर्जन एवं एसटीपी का निर्माण और सैदपुर में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ रोजगार और नई संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। यही तो है मोदी जी की गारंटी कि अमृतकाल में बिहार प्रगति और विकास के नए कीर्तिमान बनाएगा।